हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रीन हाउस। आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। वो एक तरह से हमारे लिए लाइफ गिविंग प्लांट है। उसे हम एक संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीजन प्लांट, जिसे स्नेक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, सेंसिवीरिया, मदर इन लॉ टंक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सेक्युलेंट कैटेगरी में आता है। इसमें थ्री टाइप की वैरायटी होती है। एक है इसमें सिलेंड्रिकल, ये देखिए ये है सिलेंड्रिकल। एक होता है ये बर्ड्स, जिसमें वैरायटी होती है बर्ड्स में कई तरह की, लेकिन वो बर्ड्स कैटेगरी में आता है। और एक होता है ये फ्लैट, जिसमें देखिए आउटर येलो और ये टोटल ग्रीन, इस तरह की वैरायटी आती है। अब मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कि इसकी नेचर कैसी होती है। ये एक हार्डी प्लांट है, शेडी है, ज़्यादा धूप में नहीं चलता और इंडोर में ये लगभग 25 से दिन से एक महीना तक अंदर सर्वाइव कर जाता है। इसको ज़्यादा लाइट पसंद नहीं होती। ये देखिए, मैंने इसको ज़्यादा लाइट पे बाहर धूप में रख दिया था तो इस तरह से इसकी टिप जलने लग जाती है। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, इसको लेस वाटर चाहिए होता है, साथ में इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी रेतीली मिट्टी में लग जाता है। अब आपको मैं इसके यूजेस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, ये हमारी लाइफ सेविंग प्लांट है, संजीवनी बूटी है, तो ये एक एयर प्यूरीफायर का काम करता है। ये तो नासा ने भी डिक्लेयर किया है। ये कैंसर कॉजेस बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है, साथ ही में इसको टॉक्सिन एब्जॉर्ब करने की इसमें क्वालिटी होती है। जैसे इसमें फॉर्मेल्डिहाइड को एब्जॉर्ब करता है। हमारे घर में जो पेंट होता है, किचन का धुआं, जो हम चौक लगाते हैं सब्जी में, फ्राई करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। बेंजीन, जैसे हमारे यहाँ प्लास्टिक के कितने आइटम होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं और भी बहुत आइटम होते हैं, प्लास्टिक पीओ, प्लास्टिक पेंट होता है, उन सबसे बेंजीन रिलीज होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हमारे घर को ये नेचुरली प्यूरीफाई करता है। मैंने तो अपना जो वाईफाई का कनेक्शन है उसके बॉक्स के पास भी एक रखा हुआ है, ताकि आपको पता है उसमें से कितनी रेज निकलती है, वो उसको वहीं पर एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से ये प्लांट हमारे घर को प्यूरीफाई करता है। अपने हर रूम में, ये नहीं है आप घर में सिर्फ एक प्लांट रख दे और वो घर को ठीक कर देगा, लेकिन आप हर कमरे में इस प्लांट को रखें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने कितने कंटेनर बनाए हुए हैं, और ये मेरे आउट में रखे हुए थे आउटसाइड, लेकिन हमारे रूम में तो मैंने सब जगह रखे हुए हैं। तो मैं इनको 25 से 20 दिन, कभी महीना, इस तरह से मैं बाहर निकालती हूँ और दूसरे से चेंज कर देती हूँ। अब ये देखिए, जैसे मैंने टेबल टॉप पे रखने के लिए, अपने वॉशरूम में रखने के लिए, इस तरह से ये मेरा मग टूट गया था, मैंने इसको लगा दिया। ये मेरा इसका कर्ड का आया था बॉक्स, मैंने इसमें लगा दिया। और ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा में, इसमें देखिए मैंने लीफ जो इसकी टूट जाती है या एक्स्ट्रा हो जाती है, मैंने काट के इसमें, जैसे आपके सामने अभी एक मेरी लीफ टूट गई थी, मैं इसको इसी तरह से इस मिट्टी में दबा दूंगी। और ये लीफ है करीबन 1.5 से 2 महीने में सर्वाइव कर जाती है और इसमें रूट्स आ जाती है। जैसे देखिए, पहले मैंने लीफ लगाई थी, इसमें देखिए इसमें बर्ड आ गई है, इसका पब बन गया है छोटा सा। और फिर उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, सेपरेट करके मैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको भी देती हूँ, और अंदर घर में रखने के लिए भी मेरे पास बहुत बने हुए हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको, ये सिलेंड्रिकल जो है ये बहुत ही रेयर किसी के पास देखने को मिलता है। मैं इसे हरिद्वार घूमने गई थी, वहाँ नर्सरी से मैंने इसको बाय किया था। ये उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ का दिया था, जो मेरे लगा हुआ है अभी। अब मैं इसका ट्राई करूँगी इसकी कटिंग लगाने का, अभी तक मैंने वो नहीं लगाई है। तो इस तरह से आप ये देखिए, आप अपने घर में लगाइए। अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पानी इस पर, अब ये देखिए मैंने घर से बाहर कितना आज ही मैंने इसको बाहर निकाला है, देखिए इसकी बिल्कुल ड्राई मिट्टी है। तो इस तरह से जब मिट्टी हो जाए तब आप उसमें पानी डालिए। पानी भी आप ये नहीं है कि पूरा भर के इसमें भर दें, सिर्फ ऊपर आप करीबन थोड़ा सा पानी स्प्रे करिए, इसके लिए इतना ही बहुत होता है, नहीं तो ये गलने लगता है।
लेकिन इसकी लीफ लगाने के लिए इस तरह की, देखिए नई पत्ती टूट गई थी वो नहीं चलेगी, फ्रेश लीफ नहीं चलती इसके लिए, हमें इस तरह की पुरानी जो ओल्ड हो जाती है इसकी मैच्योर लीफ है उसकी हमें कटिंग लगानी चाहिए। इस तरह से मैं तो हर जगह कटिंग लगा लेती हूँ, तो आपको भी करना चाहिए। सॉइल के बारे में आपको बताऊँ तो इसमें दो भाग अपनी गार्डन सॉइल होनी चाहिए और एक भाग इसमें मैं रेत यूज़ करती हूँ जो रिवर सैंड होती है उसको डालती हूँ, और खाद एक भाग रखती हूँ। मिट्टी इसलिए ज़्यादा रखती हूँ, यदि रेत ज़्यादा होगी तो हिलता रहता है बहुत जल्दी, है ना, ये गिर जाता है, उसको होल्ड करने के लिए थोड़ा इसको है ना हार्ड मिट्टी की ज़रूरत होती है। अभी जैसे ये मैंने उठाया तो ये निकल गया था, इसकी सॉइल सॉफ्ट थी, वो सारे निकल गए थे, मैंने सेट किया है इसको। ये मेरी देखिए, ये मेरी उसमें एक गिफ्ट बैल, एक गिफ्ट आइटम की ये बैल निकली थी, ये देखिए ये बैल है पूरी, जिसको मैंने इसमें ये सभी तरह के लगा दिए। मैंने एक तरह से इसको एयर प्यूरीफाई फॉरेस्ट बना दिया, इसमें सारे ही तरह के इसमें ये प्लांट्स लगे हुए हैं, स्नेक प्लांट, सारी वैरायटी जो मेरे पास है वो सब मैंने इसमें लगा दी है। तो इस तरह से आप इनको अपने रूम में लगाइए। आजकल के टाइम में कितना पॉल्यूशन है, कितनी तरह की आइटम्स हैं जो हमारे बच्चों को, हमको, सबको हार्म करती है, तो इसको आप अपने घर में ज़रूर जगह दें और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और ये कॉस्टली भी नहीं है, आप कहीं से भी अपनी फ्रेंड से किसी से एक लेके आएंगे लीफ और उससे आप कितने बना लेंगे, बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है कि जो छोटे बच्चे यदि आपके घर में है तो ये उनकी पहुंच से बाहर होना चाहिए, इसको आप ऊपर करके लगाएं, क्योंकि जब ये हमारे घर की सारी पॉइजनस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है तो ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है यदि बच्चे मुंह में ले लें तो उनसे बचा के रखिए। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि ये इसको आप प्रोपोगेट कीजिए, अपने घर में इसको जगह दीजिए, अपने और अपने डियर वंस की लाइफ को सेव कीजिए। ओके गाइस, बाय। देखिए आगे यदि वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके डियर वंस है तो उनको भी शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब कराओ। ओके बाय, थैंक यू, बाय।